बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का कहा जाए या एक्सेस रिएजेंट फाइंड करने का कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने एक एग्जांपल ली है जिसमें ये कहता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए कार्बोनिक एसिड बन जाता है। अब क्वेश्चन ये है तो ये कहता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 120 ग्राम यूज़ किए जाए और वाटर के 80 ग्राम यूज़ करके कार्बोनिक एसिड बनाया जाए तो आप ये बताओ कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले चंद एक बेसिक चीज़ें समझ लें कि जब भी आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया जाए लिमिटिंग रिएजेंट से या एक्सेस रिएजेंट को कैलकुलेट करने का कहा जाए तो आपने पहली बात याद रखनी है कि ये कैलकुलेशन उसी तरह से हैं जो आपने पहले कैलकुलेशंस की थी मोल मोल कैलकुलेशंस में कि गिवन मोल से आपने रिक्वायर्ड मोल फाइंड करने थे। अगर वो मोल ना दिए गए हों मास दिया गया हो तो उसको आप फर्स्ट मोल में कन्वर्ट करें फिर उससे मोल फाइंड करते थे। यहाँ पर भी सेम उसी तरह की कैलकुलेशंस हैं लेकिन क्या करना है आपने कि लिमिटिंग रिएजेंट को या एक्सेस रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ये करना है कि दोनों रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब यहाँ पर दो रिएक्टेंट दे दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर है हमने ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग है। तो आप ये करें कि फर्स्ट इसको लेकर प्रोडक्ट फाइंड करें फिर इसको लेकर प्रोडक्ट फाइंड करें। अब इन दोनों में से जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दोबारा सुन लें कि वो रिएजेंट इन दोनों में से जो प्रोडक्ट की कम अमाउंट दे वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल देखें हम कार्बन डाइऑक्साइड से भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं वाटर से भी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं और जो इन दोनों में से इसकी कम अमाउंट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखते हैं हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लें तो इसके हमें मोल नहीं दिए गए इसके हमें दे दिए गए हैं ग्राम। तो हम ये करेंगे सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मोल में तो क्या है एन यानी कि इसको आप साथ में यूं आइडेंटिफाई करने के लिए लिख लें कि मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कितने होंगे 120 ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास बनेगा 40 ग्राम पर मोल। अब 120 ग्राम को आप डिवाइड करोगे 44 ग्राम से तो ये इसका आंसर आपके पास बनेगा 2.72 मोल। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपके पास आ जाएगा 2.72 मोल। अब इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कितनी है 2.72 मोल। अब इस 2.72 मोल से आप प्रोडक्ट के मोल कैलकुलेट करें। अब सबसे पहले आप इक्वेशन को अगर देखेंगे तो इक्वेशन आपको ये बता रही है 1 मोल ऑफ CO2 CO2 के 1 मोल प्रोडक्ट के कितने मोल दे रहे हैं 1 मोल ऑफ H2CO3 CO2 के 120 ग्राम में कितने मोल है 2.72 मोल। अगर 1 मोल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा 2.72 मोल ऑफ CO2 कितने मोल देंगे 2.72 मोल अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 120 ग्राम से आपको कितने मोल मिलेंगे 2.72 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल देगा 2.72 मोल। अब हमने क्या करना है वाटर को लेकर इसकी फिर से मोल फाइंड करने। अब पहले हम वाटर के अपने मोल फाइंड करें कि NH2O क्या हो जाएगा 80 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास वो है 18 ग्राम पर मोल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर बन रहा है 4.44 मोल। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 80 ग्राम वाटर है इसमें वाटर के 4.4 मोल है।
अब इक्वेशन हम उसी तरह से कन्वर्जन बनाए, वन मोल ऑफ एच टू ओ, यहां से वन मोल दे रहा है, आपके पास क्या बनेगा, वन मोल ऑफ एच टू सी ओ थ्री, वन मोल ऑफ एच टू ओ से वन मोल ऑफ एच टू सी ओ थ्री बन रहा है, तो 4.4 मोल से कितना बनेगा, 4.4 मोल ऑफ एच टू ओ वुड गिव 4.4 मोल ऑफ एच टू सी ओ थ्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों को देखें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमने ये कैलकुलेट किया, वाटर से भी हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आप यहां से देखें 2.72 मोल इसके बन रहे हैं कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 ग्राम से इसके 2.72 मोल बनेंगे और 80 ग्राम से इसके 4.4 मोल बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये कहा था शुरू में कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब इन दोनों में से कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट दे रहा है, तो लिहाजा इस रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट।